जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो कंप्यूटर को अपने पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है, तो कितने प्रकार से जो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को पासवर्ड से। तो आज हम कई तरीके, आपको तीन तरीके बताने वाले हैं जो कंप्यूटर को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको जानना है, यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे मिल जाएगा यूजर एंड अकाउंट। यूजर एंड अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे फिर से यूजर अकाउंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपका जो मेन यूजर होगा यहाँ पर खुल किया जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है एक मिल जाएगा ऑप्शन मैनेज अनदर अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपका मेन यूजर है, जो आपका मेन यूजर होगा वो खुल किया जाएगा, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे मोर ऑप्शन खुल किया जाएंगे। यहाँ पर मेक चेंजेस टू, जो आपका यूजर होगा उसका नाम होगा और अकाउंट लिखा होगा, तो इसमें आपको जो भी चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक है क्रिएट ए पासवर्ड, यहाँ पर आप क्रिएट पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड लगा सकते हैं, बना सकते हैं, तो इस पर क्लिक करना। और यहाँ पर आपको देखना है न्यू पासवर्ड, तो जैसे भी हम 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं, उसके बाद से यहाँ पर फिर से आपको वही पासवर्ड कन्फर्म कर देना। और यहाँ पर आप चाहें तो हिंट भी दे सकते हैं, वरना इसको आप छोड़ भी सकते हैं, और क्रिएट पासवर्ड पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्रिएट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो है आपका पासवर्ड सक्सेसफुली हो गया, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चेंज द पासवर्ड का। यहाँ पर आपको पहले क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा था, अब चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप पासवर्ड फिर जाकर चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका हम आपको बताते हैं, दूसरा तरीका जो है आप पासवर्ड को जो है कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर देखेंगे आपका जो दिस पीसी होगा या माई कंप्यूटर होगा, विंडोज 7 माई कंप्यूटर देता है, तो उसमें माई कंप्यूटर में आपको राइट क्लिक करना और यहाँ मैनेज पे आ जाना है। मैनेज पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखेंगे मैनेज की विंडोज है वो आपको खुल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, खुलने में थोड़ा टाइम लेता है। और यहाँ पर देखेंगे जैसे ये जो आपका मैनेज कंप्यूटर मैनेजमेंट जो है खुल के आ जाएगा, और यहाँ पर आपको लोकल यूजर एंड ग्रुप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना। और यहाँ पर आपको देखेंगे यूजर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यूजर्स के ऑप्शन पे आपको 2 बार क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो है आपका जो भी आपका यूजर होगा जिसको आप यूज कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर सेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको कुछ प्रोसीड करने के लिए दिया गया है, उसके बाद से प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको नया पासवर्ड जो है आपका टाइप करना, जो भी आपको लगाना हो, यहाँ पर जो पासवर्ड लगाना होगा उसको आपको 2 बार एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दिया जाएगा द पासवर्ड हैज बीन सेट, उसके बाद से आप ओके कर दीजिए, जो आपका पासवर्ड सेट हो चुका है। हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि पासवर्ड लगा है या नहीं, क्योंकि कंप्यूटर जब हम लॉग ऑफ करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाएगी, इसलिए हम आपको नहीं दिखा रहे हैं कंप्यूटर का पासवर्ड लगा है या, लेकिन श्योरली 100% गारंटी के साथ हम बताते हैं कि पासवर्ड लग चुका है। और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको बता देंगे सोल्यूशन। आगे की हम तीसरी प्रोसेस जो जानेंगे वो कमांड के थ्रू जो है पासवर्ड कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइप करना है कमांड, तो यहाँ पर हम CMD, अब जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, और इसको आपको यहाँ पर देखेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके लिए यस या नो पूछा जाएगा, तो यस कीजिएगा, और यहाँ पर देखेंगे आपका जो है कमांड प्रॉम्प्ट जो है आपका खुल जाएगा, और यहाँ पर जो है आपको टाइप करना है नेट यूजर। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो नेट यूजर होगा, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, जो हमारा नेट यूजर है पंकज गुप्ता, इसमें आपको जो है इसी में पासवर्ड लगाना है, जो भी होगा आपका 2 या 3 यहाँ पर सब शो कर देगा। तो यहाँ पर उस तब आगे की प्रोसेस में आप देखेंगे फिर से लिखना है नेट यूजर, और उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे जैसे नाम जो है आपका दो दो अलग अलग मतलब दो के वर्ड में है, तो आपको जो है यदि कमांड चला रहे हैं तो आपका जो वर्ड नाम या कुछ कोई भी आपका 2 वर्ड में है तो आपको जो है यहाँ पर डबल इनवर्टेड कामा में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम अपना जो है यूजर का नाम लिख लेते हैं और इसको डबल इनवर्टेड कामा क्लोज कर देते हैं। यदि आपका नाम जो है एक ही वर्ड का है, जैसे केवल पंकज है, तो इसको आपको केवल इनवर्टेड कामा में आपको नहीं लिखना है, केवल सिंपली लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे एक मेन काम करना है, यहाँ पर आपको स्टॉल लगा देना है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड लगाने के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद से आपको फिर से यहाँ पर लिखना है नेट यूजर, उसके बाद से यहाँ पर जो आपका यूजर नेम है उसको फिर से यहाँ पर लिखना है, तो हम यूजर नेम फिर से लिख लेते हैं।
यूजर नेम लिख लेने के बाद यहाँ पर एक स्पेस देना है आपको। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है जो आपका पासवर्ड आप लगाना चाहते हैं। जैसे हम 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो इतना क्लिक करने के बाद आपको एक बार एंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पर देखेंगे द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये भी आपका कमांड 100% सही चलेगा। और आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप हमें वीडियो में जो है बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलेंगे अगली वीडियो।